चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी वर्कशीट 1। इस वर्कशीट के 3 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हिस्टोग्राम और ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ डाटा, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास मार्क, ये सब चीजें। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, द डेली मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली फॉर द 30 डेज ऑफ जून इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज एज अंडर। ये 30 डेज का जून के, जून का मंथ जो होता है 30 डेज का होता है, ये 30 डेज का टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में। हमें पहले प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेकिंग क्लास इंटरवल 12.0 से 25.5, और फिर बनाना है इसका हिस्टोग्राम। ये इंटरवल दिया है हमें, ये इंटरवल लेना है हमें। क्लास इंटरवल क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तभी आप आगे के क्वेश्चन भी समझ पाएंगे। और हिस्टोग्राम बनाना है तो पहले हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं क्लास इंटरवल, जिसे हम शॉर्ट में सी आई भी लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेलीमार्क, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्लास इंटरवल लिया, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास 24.0 है, तो 24.0 से 25.5। अब हम देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है, 1.5 का। तो आगे 25.5 से 27.0, फिर हम लेंगे 27.0 से 29.5, 29.5 से, सॉरी 27.0 से 28.5, यहाँ पे 28 लिखना था, 27 में 1.5 प्लस करेंगे तो 28.5 आएगा, 28.5 से 30.0, और 30.0 से 31.5। अब हमारे पास जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। 30.1 सबसे हाईएस्ट है, तो ये 30.1, और इससे हाईएस्ट भी है कोई 30.4, ये भी है, तो इन दोनों में भी सबसे बड़ी 30.4 है। तो 30.4 कहाँ लाइज करेगी, 30 से लेकर 31.5 के बीच में लाइज। तो हमने 31.5 तक इंटरवल ले लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, पहले हम वो नंबर लेंगे जो लाइज कर रहे हैं 24.0 से 25.5। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी, जब हम ये वाला इंटरवल लेंगे 24.0 से 25.5, तो हम 25.5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम 24.0 से 25.5 से कम वाला नंबर लेंगे। तो काउंट करना शुरू करते हैं कि कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले फर्स्ट उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है ऐसी जो 24.0 से बड़ी हो, 25.5 से छोटी हो। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में, सेकेंड लिस्ट में देखते हैं 25.3, ये 25.5 से छोटा है, इसको मैंने वन नंबर डाल दिया। 25.5 नहीं लेंगे, फिर 24.9, इसको टू डाल दिया। और आगे देखते हैं इसमें 25.8, 25.9, 25.5, ये सब नंबर बड़े हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 2। अब देखेंगे 25.5 से 27, तो 27 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर 25.5 से ये बड़ा है 27 से, 26.5 ये इसी इंटरवल के बीच में लाइज करेगा, तो मैंने इसको 2 नंबर डाल दिया। 27 से छोटा लेना है, 25.5 से बड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 26.5, से 27 नहीं लेना हमें, और 26.9, 26.8 ये सेकंड फ्रीक्वेंसी में, सेकंड इंटरवल में लाइक कर रहा है, इसलिए मैं इसको 2 नंबर दी। 25.5 ये भी इंक्लूड करना है हमें, लोअर लिमिट हम इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते। 26.4, 26.9,
26.8 ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, 25.8 ये भी लेंगे, 25.9 ये भी, 25.5 ये भी, 26.4 ये भी इंक्लूड होगा, 26.6 ये भी इंक्लूड होगा, 27.5 ये 27 से बड़ा होगा, ये नहीं लेंगे। तो टोटल टू कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास 13। नेक्स्ट 27.0 से 28.5, तो लोअर लिमिट होती है हमारी 27 और अपर लिमिट है 28.5। अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखते हैं इनके बीच में नंबर लाई करेंगे। 27.1 सबसे पहले ये नंबर लाई करेगा, 30 बड़ा हो गया, 29.5 ये भी बड़ा है, 28.5 से छोटे देखने हमें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर 27 ये लेंगे, ये भी लेंगे, 28 ये भी लेंगे, 28.6 बड़ा हो गया, 27.9 ये भी लेंगे, 27 ये भी लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में 27.3 ये भी आ गया, 27.5 ये भी आ गया, 3 और 27.5 ये भी आ गया। अब काउंट कर लेते हैं 3 कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई 9। 27.0 से 28.5 इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी आई वो 9 आई। आगे देखते हैं हम 28.5 से 30, तो अपर लिमिट 30 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 28.5 28.5 से बड़े नंबर, 30 से छोटे, तो 29.5 जो इंक्लूड होगा, 29.3 ये भी, ये नहीं लेंगे, 30 भी नहीं लेंगे, और नेक्स्ट लाइन में 28.6 ये एक हो गया, 3। नेक्स्ट लाइन में सारे फेल हो चुके हैं, यानी कि नेक्स्ट लाइन में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसमें आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3। क्यों, 1, 2, 3, 14 टाइम आया। अब 30.0 से 31.5, अब जो बचेंगे वो इसी इंटरवल में लाई करेंगे, 1, 2, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हम टोटल करके ये देख लेते हैं क्या ये 30 डेज बन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 आ रहा है। क्रॉस चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, 12, 13 और 2, 15, 15 और 9, 24, 24 और 3, 27, 27 और 3, 30। अब हम तो 30 यानी कि हमारा सही टैली हुआ है। फ्रीक्वेंसी का टोटल उतना ही है जितने हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बने। अब हमने लगाया टैली मार्क 1, 2, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हमें आंसर देने हिस्टोग्राम भी बनाना है। हिस्टोग्राम से पहले मैं आपको ये वाली चीज बता देती हूँ, फाइंड द क्लास इंटरवल, क्लास साइज एंड क्लास मार्क कोरिस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके क्लास इंटरवल, क्लास साइज और क्लास मार्क बतानी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, मैक्सिमम। तो हमें मालूम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास, 13। तो 13 का क्लास इंटरवल बताना है, क्लास साइज और क्लास मार्क। तो 13 की क्लास इंटरवल क्या हुई, सबसे पहले लिखी मैंने क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल आ गए, जिसमें हम इसको कहते हैं लोअर लिमिट और 27 जो है वो क्या है हमारी अपर लिमिट। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। क्लास इंटरवल ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। क्लास इंटरवल के बाद हमें बताना है क्लास साइज, क्लास साइज कितना है, क्लास साइज इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में से मैंने लोअर लिमिट माइनस कर दी तो आया 1.5। तो 1.5 इज द क्लास साइज ऑफ दिस इंटरवल। एंड लास्ट क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है,
द एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज. तो एवरेज कैसे निकालेंगे, हम दोनों को टोटल कर देंगे, दोनों के सम को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. तो दोनों का सम आया 52.5 डिवाइडेड बाय 2, 52.5 डिवाइडेड बाय 2, 26.25. दिस इज क्लास मार्क. ये सारी चीजें कर ली. अब हमारा बचा है प्रिपेयर हिस्टोग्राम. अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें हिस्टोग्राम बताती हूँ. चलिए, ये मैंने बनाया है इसका हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम बनाते हैं जब हम, तो इंटरवल को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर. एक्स एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. ओ से एक्स इज द एक्स एक्सिस. ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस. और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस. इंटरवल को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर. ये मैंने इंटरवल ले लिया है, क्लास इंटरवल 24.0 से 25.5, 25.5 से 27. यहाँ पे मैंने एक किंक लगा दिया है, 27.0 से 28.5, 28.5 से 30, 30 से 31.5. अब 24.0 से 25.5 में हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2. जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है 13. तो मैंने 1-1 का इंटरवल से बना दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 तक सारी फ्रीक्वेंसी लिख दी, 1 का इंटरवल लिख दिया. अब पहले हमारे पास सबसे पहले 24.0 से 25.5 के इंटरवल में फ्रीक्वेंसी गिवन है 2. तो हमने इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दिया. ये मैंने ड्रॉ करा. फिर 25.5 से 27 तक है 13. तो मैं यहाँ 13 तक लेके गई. उसके बाद 27.0 से 28.5 तक है 9. ये हमने 9 तक ड्रॉ करा इस लाइन को. फिर 28.5 से 30 तक है 3. और 30 से भी 31.5 तक है 3. इस तरह से मैंने ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करके दिखाया है. क्वेश्चन 5, रीड द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर इट. ये हिस्टोग्राम हमें गिवन है, इसको हम देखते पहले ये देखते हैं कि इसमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. y एक्सिस पर हमें गिवन है नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स और x एक्सिस पर मेंशन है इनकी एज, एज इन ईयर्स. तो हम देख सकते हैं कि हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि हर एज में नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स कितनी है. तो 10 से 15 तक कैसे 300, 15 से 20 900, 20 से 25 एज में नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल 1000 गिवन है. एंड सो ऑन. इस तरह से ये डिफरेंट एज ग्रुप दे रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल दे रखा है. व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम. तो इस इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आपको इस हिस्टोग्राम में दी गई है, तो हम लिख सकते हैं द हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप में नंबर ऑफ फीमेल कितनी फीमेल जो है वो लिटरेट है इन डिफरेंट एज. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मैक्सिमम. कौन से एज ग्रुप में नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको कहाँ जा रही है. ये वाला सबसे ऊपर जा रहा है, तो ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी. कौन से इंटरवल की है, इन विच एज ग्रुप 20 to 25 द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इज मैक्सिमम. इस एज ग्रुप में नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है मैक्सिमम. थर्ड, इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मिनिमम. किस एज ग्रुप में नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट मिनिमम है, सबसे कम है. तो 45 से 50 और 50 से 55 हम देख सकते हैं यहाँ फ्रिक्वेंसी सबसे कम जा रही है और दोनों में सेम है. तो हम लिख सकते हैं कौन सा एज ग्रुप, 45 से 50 एंड 50 से 55. ठीक है. एंड लास्ट, हाउ मेनी फीमेल्स बिलो 35 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट.
35 से एज जिनकी कम है, 35 ईयर से कम एज जितनी है, जितनों की भी है, वो नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है, यानी कि टोटल फीमेल जो लिटरेट है। तो हम 35 इंटरवल तक सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। कैसे? इंटरवल कहाँ से स्टार्टेड? 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 35 तक लेना है, बिलो 35, 25 से 30 और 30 से 35, ठीक है। इन इंटरवल की हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। 10 से 15 तक क्या है फ्रीक्वेंसी? 300, 15 से 20, 15 से 20 900, 20 से 25 1000, 25 से 30 400, 30 से 35 ये 200 और 300 के बीच में लाइज कर रहे हैं तो हमने ले लिया 250, ठीक है। अब देखिए 30 से 35 जो है इंटरवल जो है वो अगर देखें तो वो 200 और 300 के बीच में लाइज कर रहा है बिल्कुल, तो हमने ले ली इसकी फ्रीक्वेंसी 250। अब हमने इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया कितना आ गया? 300 और 900 1200, 1200 और 1000 2200, 2200 और 400 2600, 2600 प्लस 250 2850। तो इतनी नंबर्स ऑफ फीमेल्स हैं, टोटल फीमेल्स 2850 हैं, जिनकी एज 35 से कम है और वो लिटरेट है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन बिलो इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन। तो ये हमें 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है इंग्लिश में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है एक्स वाई एक्सिस पर, और जो मार्क्स हैं, मार्क्स का जो इंटरवल है वो हमें गिवन है एक्स एक्सिस पर। व्हाट इज द क्लास साइज? तो हम देख सकते हैं जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे बन रहा है आगे भी। तो हम क्लास साइज क्या बताएंगे सबसे पहले, इसमें 0 से 5 अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो होता है वो क्लास साइज होता है, 5 माइनस 0 5, तो व्हाट इज द क्लास साइज? 5। सेकंड में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स से कम आए, तो हम देखेंगे 0 से 5 और 5 से 10 इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। 0 से 5 प्लस 5 से 10, इन दो इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को ले लेते हैं। 0 से 5 है 2, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में है, और 5 से 10 के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं 6, 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी है, 5 से 10 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 6, यानी कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में लाइज कर रहे हैं 6, तो 10 से कम हो गए तो कितने स्टूडेंट्स हो गए ऐसे 8, 8 स्टूडेंट्स गेट लेस देन 10 मार्क्स। थर्ड पार्ट में हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 15 बट लेस देन 30 मार्क्स, 15 से ज्यादा और 30 से कम, यानी कि इस इंटरवल के बीच में हम सारी फ्रीक्वेंसी हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। 15 से बड़ा यानी कि हमें एक लेना है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 बट लेस देन 30, 30 से छोटा, तो हमें कौन कौन सा इंटरवल लेना है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इन तीन इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उनको हम ऐड कर देंगे। 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 4 प्लस 20 से 25 है 8 प्लस 25 से 30 है 10, इन तीनों को ऐड करके आ गया 22, यानी 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से ज्यादा बट 30 से